कांग्रेस की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी थी, आप लाइव तस्वीरें देख पा रहे हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर। राज्यसभा चुनाव को लेकर राजस्थान में सियासत तेज है और इसीलिए कांग्रेस की ओर से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत राज्यसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर जानकारी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में देंगे। होटल JW मैरियट में प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है और ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि इसके बाद जो सभी विधायक हैं वो JW मैरियट होटल में 19 तारीख तक रुकेंगे। शिवलास होटल से जो विधायक हैं वो भी पहुंचे हैं और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जानकारी देंगे राज्यसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर। प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे, डिप्टी सीएम सचिन पायलट, तमाम जो विधायक हैं, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खुद पहुंच चुके हैं और कुछ ही देर में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होगी जिसमें राज्यसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर जानकारी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खुद देंगे। और लगातार जिस प्रकार के कयास लगाए जा रहे थे, जो खबरें सामने आ रही थी कि बीजेपी निर्दलीय और कुछ कांग्रेस विधायक हैं उनको खरीदने का प्रयास कर रही है, और आज तमाम जानकारी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी जाएंगी। तस्वीरों में आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंच चुके हैं वहां पर, तमाम जो अधिकारी हैं पहुंच चुके हैं, विधायक पहुंच चुके हैं, डिप्टी सीएम वहां पर मौजूद हैं, प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे वहां मौजूद हैं। राज्यसभा चुनाव को लेकर राजस्थान में सियासत तेज है, गहमा गहमी चारों तरफ, और अब जो तमाम जानकारियां हैं वो खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत देंगे राज्यसभा चुनाव को लेकर। खुद सूबे के मुख्यमंत्री ने ये मोर्चा संभाल रखा है और उन्हें पूरा यकीन है, संख्या बल तो पास में है ही, और उन्हें ये भी पूरा यकीन है, उन्हें अपने विधायकों पर गर्व है। नमस्कार दोस्तों, थोड़ी सी देरी के लिए क्षमा प्रार्थी हैं। मुख्यमंत्री जी एक एंगेजमेंट में थे और यहाँ तक आने में थोड़ा सा देरी हो गई, आपको इंतजार करना पड़ा। आज की इस विशेष पत्रकार वार्ता में मैं सबसे पहले मुख्यमंत्री माननीय अशोक गहलोत जी का, उप मुख्यमंत्री श्री सचिन पायलट जी का, हमारे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के संगठन प्रभारी और जो राज्यसभा में राजस्थान से उम्मीदवार भी हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री KC वेणुगोपाल जी का, हमारे प्रभारी महासचिव श्री अविनाश पांडे जी का, इस पत्रकार वार्ता में मैं स्वयं की ओर से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से स्वागत करता हूं। इससे पहले कि मैं मुख्यमंत्री जी और प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष को ये कहूं कि वो अपनी बात आपसे कहें, कुछ शब्दों में आज की इस पत्रकार वार्ता का विषय मैं आपके समक्ष रखना चाहूंगा। आज जब पूरा देश कोरोना वायरस से लड़ रहा है तो भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी की जोड़ी वो प्रजातंत्र को ध्वस्त करने में, वे लोकतंत्र का चीरहरण करने में पूरे देश में लगे हैं। प्रजातांत्रिक मर्यादाओं, परंपराओं और संस्कारों उनको पूरी तरह से पूरे देश में रोंद रहा भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व सत्ता हथियाने के लिए किसी हद तक भी गिर सकता है, ये बार बार पूरे देश में साबित हुआ है। ऐसा लगता है कि प्रजातंत्र का चीरहरण ही भारतीय जनता पार्टी का चाल चेहरा और चरित्र बन गया है। लोग अपनी सरकारों को कोरोना महामारी में, पूरे देश और प्रदेशों की जनता अपनी अपनी सरकारों को बड़े ध्यान से देख रहे हैं। कौन दर्द बांट रहा है और कौन प्रजातंत्र को बांट रहा है। लोग चुने हुए प्रतिनिधियों को, सरकारों को
और मीडिया के साथियों पर भी इस बारे में प्रदेश और देश की जनता नजर रखे। राजस्थान सरकार ने और राजस्थान में कांग्रेस पार्टी ने कोरोना से लड़ने में अभूतपूर्व कार्य किया है, ये जग जाहिर है। भीलवाड़ा मॉडल की चर्चा, न केवल उसकी प्रशंसा देश के प्रधानमंत्री ने स्वयं आगे बढ़कर उन्हें करनी पड़ी, देश की सरकार ने भीलवाड़ा मॉडल को स्वीकार किया, पर विदेशों तक भीलवाड़ा मॉडल जो है वो प्रचलित हो गया। ये राजस्थान की कांग्रेस की सरकार ने श्री अशोक गहलोत जी और उप मुख्यमंत्री श्री सचिन पायलट जी के नेतृत्व में कर दिखाया। राजस्थान में मनरेगा का जो काम है, मनरेगा के काम के सृजन में शायद देश में सबसे पहले पायदान पर राजस्थान है। कोरोना महामारी में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, सीधा लोगों के खाते तक पैसा ट्रांसफर करने का काम भी राजस्थान की सरकार ने किया। यहां तक कि सब मुख्यमंत्रियों की बैठक में हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को राजस्थान की सरकार और राजस्थान के मुख्यमंत्री की प्रशंसा करनी पड़ी और कहना पड़ा कि ये वो उदाहरण है जैसे सेवा का काम कोरोना महामारी में होता है। एक नारा राजस्थान सरकार ने कोरोना महामारी में दिया था, मैं केवल एक मिनट और लूंगा, कि राजस्थान सतर्क है। आज हम ये कहना चाहते हैं कि राजस्थान न केवल कोरोना महामारी से लड़ने में सतर्क है, पर राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी, राजस्थान के उप मुख्यमंत्री श्री सचिन पायलट जी, हमारे मंत्रीगण, हमारे विधायकगण, हमारे समर्थक विधायकगण प्रजातंत्र की रक्षा में भी उतने ही सतर्क हैं। और हम सब आपके बीच में केवल आज ये कहने के लिए एकत्रित हुए हैं कि राजस्थान की वीर भूमि शेखावटी के वीरों को शायद भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व सही नहीं पहचान पाया। शेखावटी के वीरों को, राजस्थान की वीर भूमि को ना कोई हरा पाया है ना हरा पाएगा। और प्रजातंत्र की मजबूती के यज्ञ का संकल्प जो राजस्थान के मंत्रियों, विधायकों, साथियों, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री जी ने लिया है, वो निर्णायक तरीके से साकार होगा इस राज्यसभा के चुनाव में भी और जनसेवा के इस यज्ञ और संकल्प में भी। इन्हीं शब्दों के साथ अब मैं सबसे पहले अनुरोध करूंगा कि इस पत्रकार वार्ता को श्री अशोक गहलोत जी संबोधित करेंगे। श्री अशोक गहलोत जी। हमारे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के संगठन महामंत्री केसी वेणुगोपाल साहब, हमारे प्रभारी राजस्थान के एआईसीसी के मंत्री अविनाश पांडे जी, हमारे प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष सचिन पायलट जी, हमारे ऑब्जर्वर राष्ट्रीय चीफ प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला जी, अन्य उपस्थित हमारे मंत्रीगण, तमाम उपस्थित पत्रकार बंधु, जैसा आप सबको मालूम है 19 तारीख को चुनाव है राज्यसभा के लिए। ये चुनाव 2 महीने पहले हो सकते थे, तैयारी हो गई थी, उसके बावजूद अचानक ही चुनाव को कोई बिना कारण के पोस्टपोन कर दिया गया। उस पर मैंने कहा था कि हॉर्स ट्रेडिंग पूरी नहीं हुई बीजेपी की, इस कारण से पोस्टपोन किया गया। गुजरात के हमारे साथी यहाँ के बैठे हुए थे, कोई कारण नहीं था। वो सामने आ गया कि जब वापस चुनाव शुरू हुए हैं तो 4 लोग वहाँ पर इस्तीफा दे चुके हैं गुजरात के अंदर। तो अभी जो सुरजेवाला ने बता रहे थे आपको किस प्रकार डेमोक्रेसी की हत्या हो रही देश के अंदर, नरेंद्र मोदी जी हो या अमित शाह जी हो, पूरा देश जानता है। 2 लोग फैसले कर रहे हैं पूरे देश के अंदर, जो डेमोक्रेसी में अच्छी परंपरा नहीं है। सुरजेवाला ठीक कह रहे थे कि कौन दर्द बांट रहा है, मैं सोच रहा था कि कौन दर्द बांट रहा है, कौन दवा बांट रहा है, ये फैसला करना पड़ेगा। उनको चिंता ही नहीं कोरोना की, इसीलिए कोरोना की शुरुआत हो चुकी थी,
राहुल गांधी ने 12 फरवरी को आगाह कर दिया था, उसके बावजूद भी सरकार बदली गई मध्य प्रदेश के अंदर। उसके पहले तमाशा कर चुके थे कर्नाटका के अंदर। जो षड्यंत्र करते हैं उनको बहुत टाइम लगाना पड़ता है, योजना बनानी पड़ती है, उसके अंदर लगे रहेंगे तो वो कोरोना का मुकाबला कैसे करते हैं? लगे रहे कैसे सरकार टॉपल करने में पूरी ताकत झोंक दो, पूरी ताकत झोंकी गई, झोंकी गई, तुम्हारे सामने देखा वो आपके सामने। ये हालात में आज देश चल रहा है। कांग्रेस पार्टी का अपना इतिहास शानदार, कुर्बानी का, त्याग का, बलिदान का। मोदी जी कहते थे कांग्रेस मुक्त भारत बनाएंगे, कांग्रेस मुक्त कभी होगी नहीं। देश से देश के रग रग में घुसी हुई है, देश के डीएनए के अंदर है, पर मोदी जी, उनकी सरकार, उनकी पार्टी, वो नेताभूत कभी हो जाए तो आश्चर्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि जनता देख चुकी है उनके कारनामों को, उनकी हरकतों को, उनकी सोच को, किस प्रकार से वो फासिस्ट सोच के साथ में चल रहे हैं, किस प्रकार से डेमोक्रेसी में उनका विश्वास नहीं, खाली चेहरा पहनावा उनके, ये तमाम बातें उनके सबके देश के सामने आ चुकी है। जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर कब तक लड़ाओगे आप लोगों को? और मुझे आश्चर्य होता है, अभी तो कोरोना है, जीवन बचाने का सवाल है, और जीवन बचाने के अंदर सभी धर्म, सभी जाति, सभी वर्ग, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, और तो और यह मैं कहना चाहूँगा, तमाम बड़ी पार्टी, कोई पार्टी हो, उन सबके लोगों के, उनके सदस्यों के जीवन बचाने की बात है। जब जीवन पे खतरा हो और उस वक्त भी अगर सब मानव एक नहीं हो, सभी पॉलिटिक पार्टियों के लोग, सभी धर्मों के लोग, सभी वर्गों के लोग, आप बताइए इस कोविड 19 का मुकाबला कैसे कर पाओगे? क्या ये सोच प्रधानमंत्री मोदी जी के दिमाग नहीं आती है? क्या ये सोच अमित शाह जी के दिमाग नहीं आती है? जब हमारी कांग्रेस पहले सोनिया गांधी लिख चुकी थी प्रधानमंत्री जी को, हम आपके साथ खड़े हैं, विपक्षी पार्टी आपके साथ है, इसका माने है हम सब मिलके, चाहे पक्ष हो विपक्ष हो, कोई धर्म हो, कोई जाति हो, कोई वर्ग हो, सब मिलके कोरोना का मुकाबला करेंगे। जीवन बचाने का सवाल है। ये सब आप लोग मास्क लगाए बैठे हो, क्यों लगाए बैठे हो? क्या हो रहा देश के, दुनिया के अंदर? पूरी दुनिया में चैलेंज आ गया हमारे सामने, उस वक्त भी तोड़फोड़ करना है उनकी फितरत के अंदर, तोड़ती सरकार को मध्य प्रदेश के अंदर, षड्यंत्र कर राजस्थान के अंदर षड्यंत्र कर रहे हैं। इसलिए जनता के सामने बेनकाब हो चुके हैं। मैं आपसे अपील करना चाहूंगा कि आज जो हम लोग चुप साथ बैठे हैं, आप बात कर रहे हैं, कि सच्चाई सामने लाएं आप लोग। हम सब पूरी पार्टी में, हमारे एमएलए साहब का परसों मीटिंग हुई थी, हम लोगों ने सबने संकल्प लिया एक साथ में, सब मिलकर के एक एक वोट, एक वोट भी राइट लेफ्ट नहीं जाएगा, सब मिलके हमारे दोनों उम्मीदवार जो घोषित है, केसी वेणुगोपाल जी और नीरज डांगी जी, दोनों सीटें जीतेंगी राजस्थान के अंदर, किसी को भ्रम नहीं होना चाहिए। और मैं पूरी उम्मीद करता हूँ कि एक एक वोट, चाहे हमारे साथी जो इंडिपेंडेंट है, चाहे बीएसपी से मर्द हो गए थे हमारे साथ में, बीपीटी के दो लोग आ चुके हमारे साथ में, दो सीपीएम के लोग मिस्टर सीताराम येचुरी को हमें रिक्वेस्ट की है, वो हमें समर्थन देंगे, तो सब एकजुट होकर के हम लोग इन फासिस्ट ताकतों को हराएंगे। ये संकल्प के साथ हम लोग इकट्ठे हैं, इसीलिए आपको तकलीफ देंगे। धन्यवाद जी, बहुत बहुत शुक्रिया गहलोत साहब का। अब मैं अनुरोध करूंगा राजस्थान के उप मुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सचिन पायलट जी से। बहुत बहुत शुक्रिया रणदीप जी। साथियों, जैसा आपको मुख्यमंत्री जी ने कहा, रणदीप जी ने कहा, 19 तारीख को राज्यसभा के चुनाव हैं, 3 सीट के इलेक्शंस हैं और 4 उम्मीदवार हैं। कांग्रेस पार्टी का स्वतः ही पूर्ण बहुमत है दोनों सीट कंफर्टेबली जीतने का, लेकिन आंकड़े दिखाते हैं कि हमारे को समर्थन करने वाले दल, निर्दलीय विधायक जो पिछले 1.5 साल से कांग्रेस पार्टी की सरकार को समर्थन कर रहे हैं,
वो पूरी ताकत के साथ हमारे दोनों उम्मीदवारों के साथ खड़े हैं। राज्यसभा चुनावों के अंदर हमारे दोनों उम्मीदवार वेणुगोपाल जी और नीरज दांगी जी यहाँ से चुनाव जीतकर जाएंगे, इसमें किसी को कोई किसी प्रकार की आशंका नहीं होनी चाहिए। मैंने कल भी इस बात को कहा, कोई भी अगर भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहा है, भ्रमित करने की कोशिश कर रहा है, तो वो सिर्फ अपना टाइम जाहिर कर रहा है। क्योंकि जैसे रणदीप जी ने कहा, इस देश के अंदर केंद्र सरकार ने ना तो कोई देशव्यापी नीति बनाई श्रमिकों के लिए, और लॉकडाउन के बाद जो लगातार अर्थव्यवस्था चरमरा रही है उसको सुधारने के लिए कोई पुख्ता कदम उठाए नहीं है। उसका दुर्गामी जो इफेक्ट है वो हम सब देख रहे हैं। राजस्थान में हम लोगों ने मेहनत कर ना सिर्फ श्रमिकों को, प्रवासियों को और ग्रामीण क्षेत्र के अंदर विशेष रूप से नरेगा के माध्यम से लोगों को मदद करी है। इस चुनौतीपूर्ण समय में किसी को बेवजह आकलन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि राज्यसभा के चुनाव पहले होने थे, लॉकडाउन हो गया, उसको पोस्टपोन किया गया, लेकिन हम लोग जानते हैं कि जो सरकार चलाने का काम हो रहा है उसमें सभी विधायकगण हमारे साथ खड़े थे, खड़े हैं और खड़े रहेंगे। वेणुगोपाल जी और नीरज दांगी जी ने नामांकन भरा था कुछ समय पहले, और आज सभी साथियों से, और आप में से कुछ दोस्त पूछ रहे थे कि यहाँ क्यों बुलाया, वहाँ क्यों बैठे, हमारे दल के लोग हैं, कोरोना में 3 महीने आपस में मुलाकात नहीं हो पाई थी, तो खुले में, क्योंकि घरों में सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं हो पाती, इसलिए कल और आज यहाँ इस होटल में मीटिंग करने का हम लोगों ने मन बनाया और लगातार एक दूसरे से संपर्क करेंगे। लेकिन जितना बहुमत आंकड़े में है, मैं समानता हूं कि संभवतः उससे ज्यादा मत हमारे दोनों उम्मीदवारों को मिलेगा, और वेणुगोपाल जी जो संगठन महासचिव हैं, हमारे राजस्थान के जो इंचार्ज अविनाश पांडे जी, रणदीप जी, तमाम साथी जो दिल्ली से यहाँ पे आए हुए हैं, हम सब अपने विधायकों से बात कर रहे हैं, और सभी लोगों ने एक स्वर से मीटिंग के अंदर भी और मीटिंग के अलावा भी ये कहा कि कोई कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन राज्यसभा के चुनावों के अंदर 19 जून को जब मतदान और मतगणना होगी, तो हमारे दोनों उम्मीदवार जितना बहुमत है उससे ज़्यादा मत प्राप्त कर संसद में जाने वाले हैं। जहाँ तक राजस्थान देश की बात है, मैं समझता हूँ रणदीप जी ने भी इस बात का जिक्र किया, मुख्यमंत्री जी ने भी कहा कि संक्रमण को रोकने के लिए जो कदम उठाए उसमें देश दुनिया ने हमारे काम को सराहा है। हमारे चिकित्सा मंत्री यहाँ रघु शर्मा जी मौजूद हैं, मिलकर चाहे क्वारंटाइन करना हो, चाहे जागरूकता फैलानी हो, सैनिटाइजर्स, मास्क, वेंटिलेटर्स, ऑक्सीजन बेड, हम सब लोगों ने, केंद्र सरकार ने अभी तक राज्य सरकारों को कोई स्टेट स्पेसिफिक फंडिंग नहीं दी, सिर्फ घोषणाएं की हैं 20 लाख करोड़ इतने लाख करोड़, लेकिन राजस्थान को या किसी अन्य प्रदेश को कोई भी आर्थिक मदद देने का काम आज तक नहीं किया। रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है वित्त मंत्री महोदया की, लेकिन एक भी राज्य को आर्थिक मदद देने का काम नहीं किया, बावजूद उसके सीमित साधनों के बाद अर्थव्यवस्था बिल्कुल 80% हमारा रेवेन्यू कम हो गया, उसके बावजूद भी हम सब लोगों ने काम किया। जैसा आप सब लोग जानते हैं 51 लाख लोग आज नरेगा में राजस्थान में काम कर रहे हैं, पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा श्रमिक अगर रोजगार पा रहे हैं तो राजस्थान में पा रहे हैं, तो हम लोग अपना काम लगातार कर रहे हैं, जनता काम से संतुष्ट भी है, और इस राजनीतिक घटनाक्रम में मैं समझता हूँ जो वास्तविकता है वो हम सब लोगों को 19 तारीख को दिखेगी, जब दोनों हमारे उम्मीदवार भारी बहुमत के साथ जीतकर यहाँ से दिल्ली जाएंगे। और मैं समझता हूँ हमारे साथी जो आए हुए हैं, मैं सबका धन्यवाद करना चाहता हूँ और आप सब लोगों का कि आप लोग यहाँ पर आए, थैंक यू। कोई भी प्रश्न आप पूछना चाहें, अगर एक एक करके हाथ खड़ा करेंगे तो हमें आसानी होगी। योगेंद्र शर्मा जी, आदरणीय मित्र, मुझे लगता है कि मामला इस समय पूरे मामले की जांच हो रही है। अगर उन्होंने कोई गड़बड़ करने की उनकी मंशा है ही नहीं, तो मैं आपके माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व से एक सवाल पूछना चाहता हूं। 3 उम्मीदवार ही राज्यसभा में चुनकर जा सकते हैं। राज्यसभा के मत को अब पूरी तरह सीक्रेट ना रखकर संवैधानिक संशोधन कर उसे दिखाने का प्रावधान है पार्टी के जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं उनको।
ऐसे में भाजपा खरीद फरोख्त की राजनीति की ओर चौथा उम्मीदवार खड़ा कर क्यों षड्यंत्र कर रही है? जब उनके पास संख्या बल है ही नहीं, संख्या बल कांग्रेस के पास दो उम्मीदवारों का है, भाजपा के पास एक उम्मीदवार का, तीन उम्मीदवार चल चुने जाने, वोट दिखाकर डलेगी एक एक विशेष प्रतिनिधि को संविधान के संशोधन के अनुरूप, तो वो खरीद फरोख्त आयाराम गयाराम भ्रष्टाचार की राजनीति के पथ प्रदर्शक बनकर क्यों खड़े? इसका जवाब जेपी नड्डा साहब और अमित शाह जी, जो इस बात के अपने आप को बहुत बड़े सेनापति मानते हैं, और खुद माननीय प्रधानमंत्री जी राजस्थान की वीर बहादुर जनता को और देश की जनता को अवश्य दे दें। धन्यवाद। Let me I take permission of Chief Minister and Deputy Chief Minister Saab to answer that question. It's stealing the mandate of people. Is stealing the majority given by people of the state, is attempt at defections through a engineered, premeditated conspiracy, exercise of democratic right. That must be the new definition of denigrating democracy that the BJP and Shri Amit Shah and the Prime Minister would have coined. Simple question which I put to my senior colleague on the other side in Hindi is, does the Bharatiya Janata Party have the number of elected legislators to elect two MPs? That's the simple question. Let's not confuse the issue. In Rajya Sabha elections, other than for independent candidates, everybody has to show his or her vote to a designated person by the party as per the Constitution of India. When you do not have the mandate given by the brave people of Rajasthan, why do you want to? The very intent that you are exercising, the very malintent with which you are fielding a second candidate, reflects and casts a clear aspersion on you, the BJP leadership, to steal the public mandate. But let me say on behalf of Shri Ashok Gehlot, Shri Sachin Pilot and all our colleagues, Shri Amit Shah ji, Shri Narendra Modi ji and Shri JP Nadda ji and their colleagues in the Rajasthan BJP, the people of Rajasthan and the legislators of Rajasthan will give you a befitting reply by decisively defeating your conspiracies and your attempt at denigrating democracy. Yogesh sir, मुख्यमंत्री जी को दूंगा, पर एक लाइन जोड़ना चाहूंगा। उम्मीदवार आप तब खड़ा करते हैं जब निर्दलीय विधायक आपके साथ हो और उनको मिलाकर आपका मैंडेट बनता हो। पार्टियां तोड़कर मैंडेट इकट्ठा करना प्रजातंत्र का चीरहरण करना होता है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आप जो पूछ रहे हैं सर, पिछली बार जब उम्मीदवार थे तो निर्दलीय उम्मीदवार थे, कांग्रेस लेजिस्लेटिव पार्टी ने उनका समर्थन किया था, हमने अपना कैंडिडेट खड़ा नहीं किया था क्योंकि हमारा बहुमत नहीं था। अगर कोई निर्दलीय कैंडिडेट खड़ा होता है तो उसका समर्थन हम लोगों ने किया था, लेकिन हमारा हमने कोई कैंडिडेट खड़ा नहीं किया, पिछली बार की बात है।
मुख्यमंत्री जी, क्योंकि सरकारी मुख्य सचेतक ने एसीबी को प्रार्थना पत्र दिया है, जबकि अगर प्रार्थना पत्र देना होता है तो किसी इंडिविजुअल विधायक के माध्यम से दिया जाना चाहिए था। क्या इस तरह से सरकार का ही प्रतिनिधित्व करते हुए, क्योंकि सरकारी मुख्य सचेतक पद पर है, ऐसी स्थिति में उसको एक्सेप्ट करके जांच करना, और आप कह रहे हैं कि भविष्य में आपकी सरकार को अस्थिर कर सकते हैं, क्या मध्य प्रदेश वाली स्थिति यहाँ कुछ है कि ऐसे सुखवाट, और कुछ आपके ही मंत्री ट्वीट करते हैं, बहुत सारी विवाद करते हैं, सारी चीजें, तो क्या है, स्पष्ट कीजिए। ये बहुत ही स्थिति है पूरे देश के अंदर। कर्नाटका में हुआ क्या मालूम आपको, मध्य प्रदेश में क्या सबको मालूम है, और राजस्थान में जब हमारे बीजेपी नेता टेलीफोन करेंगे हमारे कांग्रेस के लोगों को, इंडिपेंडेंट को, हम क्या कहेंगे। ये जो रिपोर्ट दर्ज करवाई है भाई जोशी जी ने, इसीलिए करवाई है जिससे कि जांच हो सके उसकी। और तो और आपको एक जानकारी और देना चाहूँगा, उसके अलावा एसओजी के अंदर भी रिपोर्ट दर्ज करवा दी गई है, जिससे कि जो ऑर्गेनाइज क्राइम करने वाले लोग हैं, पैसा ट्रांसफर कैसे करते हैं, कहाँ से करते हैं, उसकी जानकारी मिलने की संभावना बढ़ जाएगी। तो एसओजी के अंदर भी कंप्लेंट करवा दी गई, ये भी मैं जानकारी देना चाहूँगा। सर वी विल हैव टू गो वन बाय वन, पीटीआई से अच्छा योगेश शर्मा जी अगर। जी सर, मेरा सीएम साहब से सवाल है, जो बात आपने कही प्रलोभन को लेकर, प्रलोभन देकर विधायकों की खरीद फरोख्त को लेकर, तो क्या मानेसर में कोई शिफ्ट करने की योजना की जानकारी सर आपको लगी थी, दिल्ली की सीमाएं जब सील की गई, या फिर कुछ इस तरह की इनपुट आपके पास आया कि बीजेपी ने डायरेक्टली टच किया हो, और महेश जी ने जो लेटर लिखा था और फिर उसके बाद आपने भी उस पर बात कही, और तो क्या इंडिपेंडेंस एमएलएज को टच किया गया या पार्टी के एमएलएज को सीधे तौर पर टच किया गया, और वो सीधे तौर पर उनको डायरेक्टली इस तरह का प्लान किया गया कि एक दो दिन पहले जो आपने कैंप किया उससे पहले ही उनको दिल्ली ले जाया जाए या राजस्थान से बाहर लेकर जाया जाए। सीएम साहब से सवाल। मुख्यमंत्री जी तो जवाब देंगे ही जी। मुझे लगता है आदरणीय मित्र, अटकलों और अफवाहों पर विश्वास मत कीजिए। जो दरख्वास्त महेश जोशी जी ने दी है, उन सारे हवालाबाजों, ये विश्वास करिए अशोक गहलोत जी की चक्की जब पीसती है तो बड़े अच्छे से पीसती है। हर हवालाबाज और हर वो आदमी जो हमारी सरकार को अस्थिर करेगा, कानून उसके खिलाफ कार्रवाई करेगा और उसको ऐसी कड़ी सजा मिलेगी देश के कानून के अनुरूप कि वो उसका एक उदाहरण लोग दिया करेंगे। पर जैसा मुख्यमंत्री जी और उप मुख्यमंत्री जी ने कहा, हमारी सरकार, हमारे विधायक, हमारे मंत्री, हमारे कार्यकर्ता और राजस्थान के लोग चट्टान की तरह मजबूत हैं। ना धन ना प्रलोभन, येन केन प्रकेन, वो कितनी भी कोशिश करें वो अपने षड्यंत्र में कामयाब नहीं होने वाले, क्योंकि इस बार उन्होंने राजस्थान की वीर जनता के प्रजातांत्रिक मैंडेट को चुनौती दी है। धन्यवाद सर। सीएम साहब से एक सवाल है, राहुल शर्मा जी से एक बार, मैं एक एक करके सर आ जाऊं, आप सबके पास आ जाऊंगा, ऐसी सुविधा भी नहीं। अच्छा राहुल जी, सीएम साहब से सवाल है सर, जिस तरह के आरोप चल रहे हैं, सरकार गिराने का खेल चल रहा है, आपको लगता नहीं कि दल बदल कानून जो है उसमें बहुत बदलाव की जरूरत पड़ गई है? जिस तरह से पहले कर्नाटक, फिर मध्य प्रदेश और राजस्थान की बात की जा रही है, तो ये दल बदल कानून में संशोधनों, विधायक इस तरह का कोई काम करते हैं, उनकी सदस्यता पूरी तरह से जाए, इस तरह के कानून के संशोधन की जरूरत आप लोगों को नहीं लगती? आपको याद होगा ये आपने क्वेश्चन किया, परंतु आप देख रहे हैं कि वह अमेंडमेंट पहले भी हुए हैं, उसके बाद में भी कौन कोई रास्ता निकाल लेते हैं, और अमेंड करेंगे तो और रास्ता निकल जाएगा। फूल प्रूफ कानून तो खुद की नैतिकता ही हो सकती है, और नैतिकता इनमें है नहीं, इसीलिए इनके दिलो दिमाग के अंदर, कोरोना से मैं बार बार कहना चाहूँगा, ये जंग मामूली जंग नहीं है,
कि कोरोना किस रूप में बढ़ेगा, इसका मिजाज क्या होगा, कोई नहीं जानता है। जब पूरे मनुष्य के जीवन पे संकट है, उस वक्त में आप अगर पॉलिटिक्स करोगे इस प्रकार से, तो आप राज्य शासन गवर्नेंस क्या करोगे जनता को बचाने के लिए? फिर आपका दिमाग हर वक्त घूमेगा कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर, कभी मध्य प्रदेश, कभी कर्नाटका, कभी राजस्थान, कभी महाराष्ट्र, यही काम करते जाएंगे। ये समझना पड़ेगा एक कॉर्नर में क्यों जोड़ रहा हूँ, ये कोई मामूली बात नहीं है, जंग मामूली नहीं है। क्या अमेरिका में, इटली में, स्पेन में, चाइना में क्या हुआ, क्या हो सकता है आने वाले वक्त में, कोई नहीं जानता है। तो जंग वो लड़े उसके लिए विपक्षी पार्टियां साथ हैं, मिसेज सोनिया गांधी कह चुकी है, उसके बाद में इनको समझ नहीं आ रही है क्या ये स्थिति है? और ये जिस प्रकार से षड्यंत्र कर रहे हैं वो बातें सामने आ रही है हमारे भी। हमने जो फैसले किए सोच समझ के फैसले किए। इसीलिए सर आपकी अनुमति से एक संवैधानिक पहलू में जोड़ दूं इसमें, आप क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने आपको जो राजनीतिक पहलू है वो बताया, आप संवैधानिक पहलू की ओर भी इशारा कर रहे हैं। इस देश में संविधान और कानून जो आज के दिन है वो बड़ा स्पष्ट है कि पार्टी की लाइन को जो वॉयलेट करेगा उसकी सदस्यता चली जाएगी। मैं मानता हूं आपने कहा कि संविधान और इवॉल्व होना चाहिए, संविधान एवोल्यूशनरी है ही, पर याद करिए गुजरात में जब श्री अहमद पटेल जी के चुनाव में श्री अमित शाह जी ने कांग्रेस के दो विधायकों को, मैं आज फिर याद दिलाऊंगा, कांग्रेस के दो विधायकों की वोट जबरन देखने का प्रयास किया था, तो आपको याद होगा कि हमने वो मैटर आर्ग्यू किया और चुनाव आयोग ने हमारी बात को स्वीकारा, उनकी दोनों डली हुई वोट डब्बे से निकालकर खारिज की और उन दोनों विधायकों को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। दूसरा उदाहरण हाल में कर्नाटक में है, जब भाजपा ने खरीद फरोख्त से कांग्रेस और जेडी की सांझी सरकार को गिराया, हमने उन सारे साथियों की सदस्यता खारिज करने के लिए बाकायदा स्पीकर को अर्जी दी। जब स्पीकर ने निर्णय नहीं किया तो हम सुप्रीम कोर्ट गए और सुप्रीम कोर्ट ने एक संविधान की नई इंटरप्रिटेशन दे ये कहा कि स्पीकर चाहे वो भाजपा का भी हो, उनकी सदस्यता खारिज करने के निर्णय में विलंब नहीं कर सकता। और आखिर में स्पीकर को यह हिदायत गई पहली बार संविधान को रीइंटरप्रेट कर कि उसे उनकी सदस्यता खारिज करने का निर्णय करना पड़ेगा विप वॉयलेट करने के आधार। तो इसलिए मुझे लगता है कि सफिशिएंट सेफगार्ड्स हैं, जो भी प्रजातंत्र की गंगा मैली करने का कुत्सित प्रयास करेगा उसको सजा मिलेगी। पर ये मंसूबे, भाजपाई मंसूबे और षड्यंत्र राजस्थान में कामयाब होने वाले नहीं। मुझे लगता है कि पत्रकार साथियों से वार्तालाप करना अभी तक अनुचित या अपराध, जब लास्ट बार मैंने चेक किया तो नहीं था, बल्कि ये पारदर्शिता, जवाबदेही और जुम्मेवारी का हिस्सा माना जाता है। There is no compulsion on any legislators. All of them want to, as Deputy Chief Minister Saab said, Chief Minister Saab said, they all want to stay together, more than welcome. Can I also say one thing? आपके घर में कोई चोरी करने आए तो आप अपना दरवाजा और घर तो सुरक्षित रखेंगे चोरों से। चोर अगर प्रजातंत्र की चोरी करने आए तो प्रजातंत्र को सुरक्षित रखना हमारा दायित्व भी है, कर्तव्य भी। मुझे लगता है कि आप लोग यही, ऐसा है मुख्यमंत्री जी, इसका जवाब ऐसा है। अभी फर्क होता है, मैं सुन रहा हूं, पढ़ रहा हूं बार बार कि साहब बसपा वाले चले गए, हमें कहते हैं कि हम ये डिफेक्शन करवा रहे हैं। बसपा वाले ने किसी डिफेक्शन नहीं किया, पूरी पार्टी मर्ज हुई उनकी, दूसरी बार पूरी पार्टी मर्ज होने में जो कॉन्स्टिट्यूशन लिखा हुआ उसके अकॉर्डिंग मर्ज हुई, उन्हें बहुत राजनीति का फर्क होता है, वो लोग बोलने वाले जानते हैं। सर वी विल हैव टू गो वन बाय वन।
वो नई बात नहीं है, पहले भी लगाई थी। सचिन सैनी जी हिंदुस्तान टाइम्स से, आपने पूछ लिया। गोवर्धन चौधरी जी न्यूज 18 से, नीरज शर्मा जी न्यूज इंडिया से, जो आरोप लगाए हैं कांग्रेस पार्टी ने उनके प्रमाण पेश करें यदि प्रमाण है तो। दूसरा, उन्होंने कहा है कि कांग्रेस संगठन के अंदर अंतर्कलह है, उसका फायदा हमें मिलने जा रहा है और अन्य राज्यों में भी ऐसा हुआ। मुझे लगता है उप मुख्यमंत्री जी आपके सवाल का जवाब देंगे। संगठन के अंदर अंतर्कलह है और उसका फायदा बीजेपी को मिलने जा रहा है। ये बातें मैं सुन रहा हूँ जब से बीजेपी हारी है, डेढ़ साल से, और डेढ़ साल के अंदर जो उपचुनाव हुए वो हम लोगों ने जीते, राज्यसभा के चुनाव होंगे वो हम जीतेंगे। अब उनका और तो कुछ काम कर नहीं रहे विपक्ष में, और आपस में कितने गुट भाजपा में हैं मेरे हाथ में गिन नहीं सकता मैं अपनी सरकार में। और ये जब मैं अध्यक्ष बनकर आया था 2014 में, तब से लगातार हम ऐसा कोई ना कोई साथी पूछता रहता है, और बड़ी कामयाबी से हम लोगों ने हर उपचुनाव जीता, विधानसभा का आम चुनाव जीता, और ये चुनाव भी हम जीतेंगे। तो बीजेपी के साथी कुछ बोले ये कोई आश्चर्यजनक बात नहीं है, लेकिन अगर आईना उठा के देखेंगे तो उस दल में कितने गुट बने हुए हैं उसकी कोई गिनती नहीं है। हमारे यहाँ पर मैंने कल भी कहा था, कांग्रेस प्रेसिडेंट सोनिया गांधी जी ने AICC ने हमारे राज्यसभा चुनाव में उम्मीदवार तय कर दिए। तय करने के बाद हम सब ने उनको आश्वस्त किया कि हम चुनाव जिताकर भेजेंगे। अब विरोध करने के लिए कुछ कमी निकाल नहीं पाए, और बेवजह अखबार में और कुछ फुसफुसाहट फैलाने की बात अगर कोई बीजेपी नेता करता है तो मैं समझता हूँ वो अनर्थ है। अब ये बात बहुत बोरिंग हो चुकी है, इसको न तो कुछ सुनता है ना गंभीरता से देखता है। नीरज जी, इससे पहले अगला सवाल ने मैं एक लाइन उप मुख्यमंत्री जी की अनुमति से और मुख्यमंत्री जी की अनुमति उनसे ये पूछिए, गुलाब चंद जी से, क्या उन्होंने आदरणीय वसुंधरा जी से इस बारे में मंत्रणा कर ली थी, ये जरूर पूछ लीजिए। समीर शर्मा जी पत्रिका से। सर, ये राज्यसभा में तो अपनी जीत और सीट पूरी दिखाई दे रही है कि कांग्रेस जीतेगी, ये भी माना जा रहा है सर अगले जो विधानसभा चुनाव होंगे उसको लेके टूट ना हो विधायकों में, उसकी तैयारी ये है और इसलिए जांच हो रही है, क्या ये सही बात है सर? आप एक बार सवाल। मैं ये कह रहा हूँ सर कि राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस की 2 सीट पक्की दिखाई दे रही है, जीतेंगी आप भी दावा कर रहे हैं, क्या ये बाड़ाबंदी अगले विधानसभा चुनाव में टूट ना हो और जांच भी क्या इसीलिए डराने के लिए हो रही है, ऐसी बातें हो रही है सर? चुनाव तो 2023 की बात कर रहे हो, 3.5 साल की बात कर रहे हो, अभी तो 19 को हम जब जीत जाएंगे आपको बता देंगे, 23 की बात है। पंकज सोनी जी पंजाब केसरी से। जी, मेरा आपसे सवाल है कि अब आपकी स्थिति आप बता रहे हैं सब विधायक एकजुट हैं, पूरी स्थिति नियंत्रण में, तो ऐसे सिचुएशन में नाम बताने में आपको कहाँ इतराज है? क्योंकि बार बार ये पूछा जाता है किन विधायकों के पास फोन आया, कितने पैसे का प्रलोभन दिया, ये थोड़ा सा अगर खुलासा हो जाए तो हम लोगों के लिए भी आसानी रहे। जिन विधायक अभी जांच चल रही है और मान लीजिए जानकारी मिल भी जाएगी तो मैं आपको कैसे बता सकते हैं? आदरणीय श्री वत्सन जी न्यूज 24 से। सर, इस कोरोना काल में जहां सभी लोग परेशान हैं, नौकरियां जा रही है, अर्थव्यवस्था पटरी पर नहीं है, क्या इस वक्त किसी भी तरह का चुनाव करवाना सही है? क्योंकि ये सवाल केवल राज्यसभा के लिए नहीं है, बिहार वेस्ट बंगाल के लिए भी है, सब चुनावी मोड में आ गए हैं, जनता के जो दर्द इस वक्त सहन करना चाहिए, मतलब उनका जो ख्याल रखना चाहिए पूरी तरह ध्यान नहीं लगाया जा पा रहा है, क्योंकि नेता जितने भी हैं कोई कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग की बात तो अब तो दूर ही हो गई है,
क्या किसी भी तरह का चुनाव इस मौके पर सही होगा? और सर आपने बोला एसओजी को भी दे दिया आप जांच, क्या जांच का दायरा गुजरात कांग्रेस में जो खरीद फरोख्त हुई है, मध्य प्रदेश में जो जिस तरह से सरकार गिराने की कोशिश हुई है, वहां तक भी जाएगा ये एसओजी की जांच? ये काम मेरा नहीं, एसओजी का काम। बहुत शुक्रिया शरद कुमार जी। आज तक से चुनाव तो आपको करना पड़ेगा ही, जब तक आप अगर अमेंडमेंट नहीं कर दो रूल्स को, जब आपका टाइम खत्म हो गया राज्यसभा के मेंबरों का, पार्लियामेंट आ रही है तो उनको मजबूर होकर करवाना पड़ा चुनाव को। और अभी जो इनकी रैली हो रही है बंगाल में, बिहार में, उड़ीसा के जहाँ जहाँ भी हो रही है, तो आप सोच सकते हैं कि अभी रैलियों का आईटी बेस होने लग गई। तो ये तो जब तक कोई सब पार्टी मिलकर कोई फैसला नहीं करे दूसरा, तब तक तो चुनाव कराने पड़ेंगे। सर श्रीवत्सन जी, मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी की बात को और आगे बढ़ाते हुए एक बात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से जोड़ना चाहूंगा। इस देश के 130 करोड़ लोगों का और कांग्रेस पार्टी के हर मुख्यमंत्री, हर नेता, हर कार्यकर्ता का ये अटूट विश्वास है कि प्रजातंत्र ही एकमात्र प्रणाली है जो इस देश के लोगों को आइडियल गवर्नेंस मॉडल दे सकती है। एक फांसीवादी विचारधारा जिसकी गहलोत साहब और सचिन जी ने चर्चा की, आज दुर्भाग्य से इस देश में है, जो किसी ना किसी बहाने की आड़ में प्रजातंत्र को सदैव हमेशा हमेशा के लिए खत्म करना चाहते हैं। पर मैं आपको विश्वास दिला सकता हूं कि कांग्रेस का हर कार्यकर्ता प्रजातंत्र का प्रहरी बनकर सदैव खड़ा रहा है और सदैव खड़ा रहेगा। हम प्रजातंत्र को डाइल्यूट नहीं होने देंगे। ये सवाल सर मनु शर्मा नहीं शरद, क्या शरद जी, ओके शरद जी आज सर ये सवाल इसलिए उठ रहा है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कहते हैं कि कांग्रेस के विधायकों को खरीदने की कोशिश हो रही है, पैसे का प्रलोभन दिया जा रहा है। उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट कहते हैं कि हमें इस बात की जानकारी नहीं है। तो ये कंफ्यूजन अब पैदा हो जाता है कि वाकई में खरीदा जा रहा था, नहीं खरीदा जाता, सच्चाई क्या है? आपको बताइए क्या सच्चाई, जनता को बता दीजिए। बात सुनिए, ये उप मुख्यमंत्री महोदय ने कहा ठीक कहा, वो पीसी बैजन भी है और मुझे जिम्मेदारी दी गई है कि मैं विधायक के नेता हूँ, मुख्यमंत्री हूँ, तो मुख्यमंत्री के पास कोई खबर आ रही होगी तो कहीं की सोर्स से आ रही होगी, इसलिए और वो हम कैसे ओपन कर सकते हैं पहले, ये आप समझ सकते हो। जो जहाँ षड्यंत्र हो गए हैं मध्य प्रदेश में या कर्नाटका के अंदर, तो क्या बीजेपी ने बताया कि हम षड्यंत्र क्या करने जा रहे हैं, या वो बताइए क्या षड्यंत्र क्या करने जा रहे हैं? वो तो जो खबरें आएगी, जान का विषय हो गया है अब तो, ACBB और SOGB, ये जांच देना ही बहुत बड़ी बात है, आप समझ सकते हैं। आप सबका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। आदरणीय साथी, कांग्रेस की सरकार और कांग्रेस के साथी, जैसा गहलोत साहब ने कहा और सचिन जी ने कहा, चट्टान की तरह मजबूत हैं और प्रजातंत्र का ठोस जवाब 19 जून को संपूर्ण बहुमत के साथ भाजपा को मिल जाएगा। धन्यवाद सर। सर सर आप सभी लंच के लिए आमंत्रित हैं, आप सभी लंच करके जाएंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ पर हुई, रणदीप सुरजेवाला ने सबसे पहले संबोधित यहाँ पर किया, उसके बाद में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने संबोधित किया, फिर सचिन पायलट ने संबोधित किया। तमाम जानकारी जो है राज्यसभा चुनाव को लेकर भी यहाँ पर दी गई और साथ ही ये भी कहा गया कि लोकतंत्र को ध्वस्त करने में
नरेंद्र मोदी और अमित शाह जुटे हुए हैं। लगातार जिस प्रकार की अटकलें लगाई जा रही हैं, कुछ चीजें यहां पर खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने, डिप्टी सीएम ने साफ भी करी हैं। जो संशय जो बना हुआ था पत्रकारों में भी, उसको भी यहां पर साफ किया गया। हालांकि जो विधायकों के नाम है जिनको प्रलोभन दिया गया था, जो खबरें सामने आ रही है, उनके नाम का फिलहाल कोई भी डिस्कशन यहां पर नहीं हुआ। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वो नाम साझा यहां पर नहीं किए हैं और साथ ही कहा है कि जो कार्रवाई है वो जारी है, जांच यहां पर की जा रही है, लेकिन नाम वो अभी नहीं बताएंगे। कोरोना को लेकर सभी पार्टियां साथ आई, ये मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का यहां पर कहना। पीएम मोदी को सोनिया गांधी ने पत्र लिखकर समर्थन भी दिया था और साथ ही राज्यसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस के प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और यह भी कहा गया कि 19 जून को साफ हो जाएगा, प्रजातंत्र को अपना जवाब मिल जाएगा, भाजपा को अपना जवाब मिल जाएगा। तमाम सवाल जवाब जो थे पत्रकारों ने सवाल किया और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, रणदीप सुरजेवाला, डिप्टी सीएम ने यहां पर जवाब दिए। विधायकों की खरीद फरोख्त को लेकर भी सवाल जवाब यहां पर हुए। तमाम जानकारी जो है पत्रकारों से यहां पर साझा की गई। राज्यसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस को पूरा यकीन है कि जीत वही दर्ज करेंगे क्योंकि संख्या बल भी है, बहुत प्रैक्टिकल सी बात यहां पर है, लेकिन उन्हें अपने विधायकों पर पूरा गर्व है। गहलोत की चक्की अगर पिसती है तो अच्छे से पिसती है, रणदीप सुरजेवाला ने ये यहां पर कहा। एसीबी को शिकायत के सवाल पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जवाब दिया, उन्होंने कहा बीजेपी की ओर से निर्दलीय विधायकों को फोन किया गया, हालांकि जो नाम है वो अभी तक पब्लिक नहीं किए गए हैं, बताए नहीं गए हैं, एसओजी में भी शिकायत कर दी गई है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने यहां पर यह कहा, दल बदल कानून में संशोधन का जब सवाल पूछा गया मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से, तब उनका जवाब था फुल प्रूफ कानून तो खुद की नैतिकता पर ही होता है। आपको बता दें 19 जून को राज्यसभा के चुनाव होने हैं और लगातार खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने यह पूरा मोर्चा संभाल रखा है। कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं वो खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के करीबी माने जाते हैं, लगातार मोर्चा मुख्यमंत्री ने यहां पर संभाला हुआ है।